दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड की उन 15 जोड़ियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनमें एज गैप बहुत ज्यादा है और जो हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो दोस्तों इंतजार किस बात का है, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों 15वें नंबर पर आते हैं मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की जोड़ी। 46 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा निर्देशक बोनी कपूर के बेटे 34 वर्षीय अभिनेता अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्देशक अरबाज खान की पूर्व पत्नी और बोनी कपूर के बेटे में 12 साल का अंतर है, जिनकी उम्र 34 साल है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते साल ही मलाइका ने अरबाज से तलाक लिया था। नंबर 14 पर है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी। दोस्तों ये सबसे रोमांचक खबर थी जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जब रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट के साथ रिश्ते में होने की पुष्टि की। आलिया भट्ट ने भी कहा था कि वो 30 साल की होने से पहले शादी कर सकती है। यहाँ संख्या में उम्र की बात करें तो रणबीर कपूर 35 साल के हैं और आलिया 25 साल की है। इनमें 10 साल का बड़ा अंतर भी आता है। नंबर 13 पर आते हैं सैफ अली खान और करीना कपूर। दोस्तों सैफ अली खान और करीना कपूर के बीच भी 10 साल का एज गैप है। वैसे सैफ के लिए उम्र का फासला कभी भी मायने नहीं रखा। उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह उनसे 12 साल बड़ी थी। अपनी पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद सैफ ने करीना का हाथ थामा, जो उनसे 10 साल छोटी थी। हाल ही में करीना ने एक और बेटे को जन्म दिया है जिनका नाम जहांगीर अली खान पटौती है। दोस्तों जोड़ी नंबर 12 पर है संजय दत्त और मान्यता। दोस्तों संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता दत्त के बीच 19 साल का एज गैप है। संजय दत्त की किस्मत प्यार के मामले में हमेशा से ही अच्छी नहीं रही। मान्यता से मिलने से पहले उनकी 2 शादियां हो चुकी हैं। संजय दत्त पर कई आरोप थे और उनके घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन दोनों ने शादी की और दोनों के 2 बच्चे भी हैं। इन सभी जोड़ियों को जानकर ऐसा लगता है कि सच में जोड़ियां भगवान ने बनाई है। दोस्तों अगली जोड़ी यानी कि जोड़ी नंबर 11 पर है शाहिद कपूर और मीरा राजपूत की जोड़ी। जुलाई 2015 को शाहिद ने दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की मीरा राजपूत से शादी कर ली। उस दौरान मीरा 21 साल की थी जबकि शाहिद 34 साल के थे। हाल ही में इस कपल की प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम मीशा कपूर है। दोस्तों नंबर 10 पर आती है प्रीति जिंटा और जिन गुडनव। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल प्रीति ने गुपचुप तरीके से बिजनेसमैन जिन गुडनव से शादी कर ली। हालांकि उन्होंने बाद में मुंबई में शानदार पार्टी दी थी। दोनों की उम्र में करीब 10 साल का अंतर है। दोस्तों नंबर 9 पर आते हैं शिरीष कुंद्र और फराह खान। डायरेक्टर प्रोड्यूसर और कोरियोग्राफर के तौर पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली फराह खान ने डायरेक्टर शिरीष कुंद्र से शादी की थी। दोनों की उम्र में करीब 8 साल का अंतर है। फराह शिरीष कुंद्र से बड़ी है। दोस्तों इनके बारे में जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। नंबर 8 पर आते हैं कबीर बेदी और परवीन दोसांझ। दोस्तों कबीर बेदी अब तक 4 शादियां कर चुके हैं। उन्होंने अपने चौथे पार्टनर के तौर पर परवीन दोसांझ को चुना। हालांकि इस शादी से कबीर की बेटी पूजा ज्यादा खुश नहीं थी। इन दोनों की उम्र में तकरीबन 29 साल का अंतर है। दोस्तों नंबर 7 पर आते हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच 13 साल का अंतर है। हेमा मालिनी धर्मेंद्र से 13 साल छोटी है। हालांकि हेमा से मिलने से पहले धर्मेंद्र शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से मना कर दिया था, जिसके बाद धर्मेंद्र और हेमा ने इस्लाम कबूल करके शादी रचाई। दोस्तों नंबर 6 पर आते हैं दिलीप कुमार और सायरा बानो। दोस्तों कुछ प्रेम कहानियां शाश्वत होती हैं और ऐसी ही सायरा बानो और दिलीप कुमार की है। सायरा बानो हमेशा दिलीप कुमार को अपना कोहिनूर कहती है और दोस्तों हमें ये पुराने रोमांस की याद दिलाता है। सायरा बानो को 12 साल की उम्र में दिलीप कुमार से प्यार हो गया था और वो 34 साल के थे, और ये कुछ सालों के बाद एक दूसरे के लिए बढ़ते प्यार के बाद दोनों ने शादी के बंधन में खुद को बांध लिया। दिग्गज रानी ने अपने सपनों के आदमी से 1996 में शादी की थी जब वो 22 साल की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे। आज भी दुनिया इस सदाबहार जोड़ी को याद करती है। 22 साल की उम्र के अंतर के साथ सायरा बानो और दिलीप कुमार ने हमें एक बार फिर दिखाया कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती। हम इस प्यार को क्या नाम दें? अब आते हैं नंबर 5 पर डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना। अपनी अदाकारी से सबके दिलों पर राज करने वाले राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी कर पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया। उन्होंने खुद से 15 साल छोटे डिंपल से शादी की थी। उम्र में इतना बड़ा अंतर उनके प्यार के आगे काफी कम हो गया और दोनों ने काफी खुशहाल जिंदगी बिताई। दोस्तों हमने नंबर 4 पर श्रीदेवी और बोनी कपूर की जोड़ी को रखा है। कई दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज करने वाली श्रीदेवी भी अपने से कई साल बड़े बोनी कपूर को दिल दे बैठी।
दोनों की उम्र के बीच करीब 9 साल का अंतर था। दोनों ही एक दूसरे का काफी ख्याल रखते थे। हालांकि श्रीदेवी की अब मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों नंबर 3 पर साउथ के सुपरस्टार कमल हसन और सारिका है। कमल हसन ने सारिका से शादी की 1988 में। कमल हसन ने सारिका से दूसरी शादी की थी। सारिका कमल हसन से 6 साल छोटी है। शादी के वक्त सारिका प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद उन्होंने श्रुति हसन को जन्म दिया। नंबर 2 पर हमने मिलिंद सोमन और अंकिता कुंवर को रखा है। दोस्तों मॉडल मिलिंद सोमन ने खुद से 25 साल छोटी अंकिता कुंवर से शादी की। इन दोनों की शादी मीडिया की सुर्खियों में बहुत चली थी। सोशल मीडिया पर लोग भी इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर आते हैं प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस शादी कर हमेशा के लिए एक दूजे के हो चुके हैं। देसी गर्ल प्रियंका को खुद से 16 साल छोटे निक से प्यार हुआ और दोनों ने अपने इस प्यार को एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन प्रियंका अकेली ऐसी एक्ट्रेस नहीं, उनके अलावा भी कई बॉलीवुड सेलेब्स हैं जिन्होंने उम्र की सीमा को नजरअंदाज कर एक दूजे से प्यार किया और अपने रिश्ते को शादी के मुकाम तक पहुंचाया। दोस्तों हमने आपको कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताया जिन्होंने उम्र की फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए प्यार की सीमाएं लांघ दी। इंडियन सोसाइटी में कई जगह ये कहा जाता है कि अगर आप ज्यादा एज गैप में शादी करते हैं तो दोनों के बीच उतना तालमेल नहीं होता जितना सेम एज के कपल्स में होता है। लेकिन इन बॉलीवुड सेलेब्स ने इस बात को झूठा साबित किया। बड़ा एज डिफरेंस होने के बावजूद भी सभी एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। अगर आपका भी इन जोड़ियों की तरह पार्टनर से उम्र का फासला है तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कभी भी अपने पार्टनर को खुद से बड़े होने का एहसास ना करवाएं। दोस्तों उम्र का फासला होने से आपकी अपने पार्टनर से इच्छाएं और अपेक्षा और पसंद अलग अलग हो सकती हैं। ऐसे में पार्टनर की हर पसंद का ध्यान रखना भी जरूरी होता है जिससे उन्हें उम्र के फासले का एहसास ना हो। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी जोड़ी सबसे अच्छी लगती है और आप किन की एज गैप जानकर हैरान रह गए। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताई जो शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।